हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। काम में इतना बिजी था, ऊपर से बारिश भी हो रहा था, तो वीडियो बनाने का एकदम टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज काम के मैं अभी काम ही कर रहा हूँ। काम करते करते सोच रहा कि एक अच्छा सा प्रेस मिला है, सोचा मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ और इस ब्लॉग में आपको बताऊँ, इस वीडियो में दिखाऊँ कि कितना अच्छा प्लेस है। और आप गेस्ट कर सकते हो अब क्या मैं दिखाने वाला हूँ। सोचो, गेस्ट नहीं कर पा रहा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा मैं कहाँ पर हूँ। आप देखिए और खुद बताइए क्या है मेरे पास में। आ चुका हूँ और देखने के लिए अब तैयार हो जाओ सब। मैं तो देख के बहुत देर से बैठा हूँ, जाने का मन नहीं करा। अब आप देखो, चारों तरफ गंगा, दूर दूर तक गंगा भरा हुआ है पानी, नदी में फूला हुआ है, ज्वार का डैम है, भरा हुआ है पूरा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितना बढ़िया प्लेस है, देख के मजा ही आ जा रहा है। काफी देर से यहाँ पर बैठा हूँ और सोचा आप लोग के लिए इस ब्लॉग को बना के दूँ। और यहाँ पर पास में ही मेरे गाड़ी खराब हो चुका है, तो मेरे पीछे का ग्राम देख सकते हैं, एक भट्टा है जो कभी बंद हो चुका है, चलता था, बन है पर जंगल हो चुका है। और यहाँ थोड़ा पानी आ रहा है दोस्तों, और गंगा में इतना पानी भरा हुआ है, इतना मतलब यहाँ पे गड्ढा है, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। और हम और आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा गड्ढा है। यहाँ उतरेंगे सीधा 20-25 फुट अंदर गड्ढा चल जाएंगे, फिर भी शायद नीचे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये प्लेस कहाँ का है बताइए कमेंट में। अब जो सही बताएगा उसके लिए एक प्राइज है, गिफ्ट है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ कहाँ का प्लेस है, मैं आप आसपास दिखा दे रहा हूँ आपको। उस पार भट्टा है, इस पार भट्टा है, ये नंबर 3 नंबर का भट्टा है वाला। और इस तरफ यहाँ बालू दिखता है, सादा बालू। और यहाँ एक फूल गाछ है, फूल गाछ है। अगर आप बता सकते हो ये कहाँ पर है और यहाँ आना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताऊँ। अगर आप नहीं सोओगे 2 दिन के बाद मैं खुद ही रिप्लाई दे दूँगा कमेंट में, ठीक है। तो चलिए बाय, मिलते हैं अगली नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखें।